छीना है आपने मुझसे, मेरी मोहब्बत छीनी है, हीरे रोशन को छीना है मुझसे, इसीलिए मैं आपसे नफरत करती हूँ। इतनी नफरत कि कभी किसी ने किसी से नहीं की होगी। कैसे भाग गया वो? चौधरी, ये सारा उस इंस्पेक्टर का किया था, कबीर को उसने भगाया है। अगर पता चल गया कि इंस्पेक्टर ने उसको भगाया, तो इंस्पेक्टर को गोली मैं खुद मारूंगा। मैं नाजी को ले जाऊं? नहीं, अभी तो नहीं, कुछ दिन बाद खुद ही आ जाएगी। सरकार, वो असल में कह दिया ना, अभी नहीं। नाजी, तुम इतना घबराई क्यों? कोई बात नहीं है, तुम जाओ यहां से, मैं खुद ही आ जाऊंगी। नाजी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहां से, अगर रुकोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दो बार उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश भी की, ताकि तुम्हारे बाबा उससे शादी कर लें। ये सब सुनने के बावजूद तुम उसे शादी करने की ख्वाहिश रखते हो? देखो अफसार, अगर तुम ऐसी कोई जिद भी करोगे ना, तुम्हारे बाबा तो बाद में, मैं तुम्हारी ऐसी किसी जिद के आगे हार नहीं मानूंगी, समझे तुम? साहब, अपने मुसल्ला आदमियों को अंसार गुल के घर के बाहर खड़ा करके आया हूँ, और एक अच्छी खबर भी आ गई है। वो कौन सी? अंसार गुल का लड़का पूरे दिन में एक बार घर से बाहर निकला है, और उसके साथ सिर्फ एक माफिस था। क्या? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अंसार गुल को गुमान हो के हम उसके लड़के को कुछ नहीं कहेंगे। गलतफहमी है उसकी। अच्छा, ये बता आगे क्या करना है? चौधरी साहब, अपने सारे मुसल्ला आदमियों को अंसार गुल के घर के बाहर लगा दे, फिर हमारे बहरूपिये छुप कर अंसार गुल का इंतजार करेंगे। जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा, सारे आदमी मिलकर उस पर हमला आवर होंगे और उसे उठा के ले आएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले उस जगह का बंदोबस्त करना है जहाँ अंसार गुल को ले जाकर रखना है। एक ऐसी जगह जिस तक अंसार गुल भी ना पहुंच सके। साहब, आपका वो पुराना वाला घर है ना? नहीं नहीं, बंटवारे में उस घर की निशानदेही हो गई है। नहीं, मेरे जहन में एक जगह है चोई साहब, जिसके बारे में अंसार गुल भी नहीं सोच सकता। वो कौन सी? एहसान अली का घर। अरे नहीं, नहीं, पागल हो गया तू? साहब, अंसार गुल को मालूम है कि मैं आप लोगों के साथ मिला हुआ हूँ, उसका शक सबसे पहले उधर ही जाएगा। उसका शक भी नहीं हो सकता कि हम अंसार गुल को उठा के तेरे घर पे ले गए। चोई साहब, मेरी फैमिली होती थी। थी, अब नहीं है, और बस वो तेरे घर में ही जाएगा, बस। ओए, अपने आदमी सुबह से मेरे लेके वहां पहुंच जा। ठीक है चोई साहब। हाँ चोई साहब, मेरी रेपुटेशन का मामला है। और कभी थी? डांडरा निकाल। क्यों उदास हो? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। देखो, तुम परेशान मत हो, मैं मासूमा को वापस लेकर आऊंगा। मासूमा वापस नहीं आएगी, उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम फिलहाल सिर्फ अम्मा जान का सहारा बनो, मासूमा को मैं हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। मैं क्या सहारा दूंगी उन्हें, मुझे तो खुद सहारे की जरूरत है। मैं हूं ना तुम्हारा सहारा, मेरा मतलब है अगर तुम्हें कभी भी कोई बात करनी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अच्छा,
बहुत भूख लगी है, कुछ है या मैं बाहर से? नहीं, बनाया है, मैं भी लाती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? आज इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है? हमदर्दी से पहले शर्मिंदगी भी है। तुम्हारे बारे में जाने बगैर मैंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, और अब जब जान चुका हूं सब कुछ तो शर्मिंदा हूं, और हमदर्दी इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पापा जान की वजह से तुम मुश्किल में हो। मुझे जान के खुशी हुई कि तुम्हें मुझसे हमदर्दी है, लेकिन अफसोस तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यही बात साबित करने आया था, तुम्हारी हमदर्दी में तो सब कुछ करूंगा जो तुम चाहोगे। तुम अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम मेरे बच्चे को बचा लो, अफसार वो उसे मार डालेगा। जब तक मैं जिंदा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। कल तैयार है ना? मैं तुम्हें डॉक्टर पर ले जाऊंगा। आपने बुलाया बाबा जान? हाँ, मैंने बुलाया सर, पूछने के लिए कि सब क्या हो रहा है। मैं आपको बताने ही वाला था बाबा जान। सब कुछ सच सच बताना। मुझे कोई खौफ नहीं है बाबा जान कि मैं आपसे सच छुपाऊं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं मासूमा को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। सार, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? कुछ नहीं जानते तुम उसके बारे में। बहुत कुछ नहीं जानता हूं बाबा जान, लेकिन उतना जानता हूं जितना खुद मासूमा ने अपने बारे में बताया, और जो आप जानते हैं उसके बारे में वो आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा ना, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाबा जान? क्यों? मैं जानता हूं वो एक लावारिस लड़की है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी जानता हूं कि वो एक बेवा औरत है, अपने मरहूम शोहर की निशानी लिए बैठी है, लेकिन फिर भी बस इससे आगे एक लफ्ज भी मत कहना। मैंने कल की तुम्हारी टिकट कंफर्म करवा दी है, तुम वापस जा रहे हो। जाओ और जाके तैयारी करो। जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगा बाबा जान। मैं किस सूरत में वापस जाऊंगा अगर मासूमा मेरे साथ जाएगी? ये सब कुछ जो तुम अपनी मां के कहने पे कर रहे हो, ये कितना गलत है तुम सोच भी नहीं सकते। तुम मुझसे उस लड़की के बारे में पूछ रहे हो जो तुम्हारे लिए महरम की हैसियत रखती है। सुनना चाहते हो तो सुनो। वो मेरी साबका बीवी है, तलाक दी थी मैंने उसे। तुम्हारी मां की हैसियत पर रह चुकी है वो, इसलिए उसके बारे में ऐसा सोचना भी तुम्हारे लिए गुनाह है। वो दोबारा मेरी बीवी तो बन सकती है, तुम्हारी नहीं। समझे तुम? गेट लॉस्ट। कौन? क्या हुआ अफसर? क्या मासूमा बाबा जान की बीवी रह चुकी है? किसकी बात हुई? मैंने जो पूछा है वो बताइए। तुम्हें ये बात कही किसने? मासूमा ने? मासूमा ने कही होती तो मैं आपके पास तस्दीक के लिए नहीं आता। मैंने जो पूछा है वो बताइए।
क्या ये सच है? हाँ सच है ये। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसलिए कि पहले तुम्हारे बाबा चाहते नहीं थे कि ये बात तुम्हें पता चले, और अब वो चाहते हैं कि ये बात तुम्हारे इल्म में हो। यकीनन तुमने उनसे मासूमा के बारे में बात की होगी। ये क्या तुम्हें तुम्हारे बाबा ने थप्पड़ मारा है? अरे तुम क्यों ले आए चाय? हलीमा से कहना था वो बना देती। अरे इसमें क्या बात है, वैसे भी सिर्फ चाय ही है जो मैं अच्छी बना लेता हूँ। वैसे मेरे ख्याल से मासूमा ने सही फैसला किया, वो आप लोगों की खुशी चाहती है और आप लोग उसकी खुशी चाहकर भी पा नहीं सकते, इसलिए आप लोगों को उसकी खुशी के खातिर नई जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। बेटा हम जैसे बेसहारा लोगों की किस्मत में खुशियां कहां लिखी है? क्यों नहीं लिखी? आप लोगों को इस घर में कोई परेशानी है? मेरा मतलब है कि आप लोग आजाद हैं, अपने बारे में सोचें, खुशियों की राह तलाश करें। बाकी मेरे बस में जो भी हुआ आप लोगों के लिए कुछ भी करूंगा। और रही बात मासूमा की, तो वो भी वापस आ जाएगी। अफसार को मेरे खिलाफ भड़का रही हो तुम। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। जान जा सकती है तुम्हारी। जब तक अफसार जिंदा है ना तो आपको मेरी मौत की खुशखबरी मिलेगी और ना ही मासूमा जैसी किसी लड़की से शादी करने का मौका। बहुत गलत कर रही हो तुम। तुम जानती हो कि मासूमा मेरी जिद है और मैं अपनी जिद के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूं। सारी जिंदगी आपकी ही तो मानती आई हूं, अब तो सिर्फ अपनी मनवाने का इरादा है। देखते हैं। जानते हो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस अजाब से बचने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया वही अजाब तुम्हारे गले पड़कर फिर मुझे ही अजियत दे रहा है। आई एम सॉरी अफसान। हेलो नाजी, मैं बात कर रहा हूँ साजिद। कैसे हो तुम? कल जब तुमसे मिलने आया था तब तो तुमने पूछा नहीं, पर अब कैसा हूँ मैं? मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे कुछ और लग रहा है नाजी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर कोई बात होती तो तुम्हें बता देती। इसी बात का तो दुख है कि तुम उसे कुछ छुपा रही हो। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो तुझे आने क्यों नहीं दे रहे? उनकी मर्जी। क्या मतलब मर्जी है उनकी? जब तक मुलाजमा थी तुमने काम किया,
बस काम छोड़ के आ जाओ। यही तो बात है, मैं मुलाजमा नहीं उनकी, गुलाम हूँ गुलाम, और उनकी मर्जी से मैं कहीं नहीं जा सकती। क्या मतलब है तुम्हारा, गुलाम कैसे हो तुम उनकी? असल बात क्या है नाजी, मुझे बताओ। तुम सुनना चाहते हो ना, तो फिर सुनो। मेरी जान इन लोगों के पास गिरवी पड़ी हुई है। कभी भी कोई भी मुझे कहीं भी फेंक देगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुमने क्यों कहा कि तुम्हारी जान यहाँ पर गिरवी पड़ी हुई है और कोई भी तुम्हें कभी भी मार देगा? इस घर में गुलाम ही तुम, जिसका हुक्म मानो वो खुश, जिसका ना मानो तो जान से मारने की धमकी। मेरा मंगेतर आया है दुबई से, मुझसे शादी करके मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हैं, मगर साहब मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है, ज्यादा रोना धोना करने की जरूरत नहीं है, किचन में जाओ, जाकर खाना बनाओ। कजन जी, बड़ी बेमुरबती है जी, तुमने तो बताया नहीं कि भतीजा लंदन से आया हुआ है। तुम्हें बताने की कोई वजह ही नहीं है, तो क्या बताता तुम्हें? ये क्या बात हुई? अरे मेरे दादा का खून, मेरे दादा का खून, हमारे खानदान का इकलौता वारिस, हमारे पास सब कुछ उसी का तो है। बकवास बंद करो और मकसद की बात करो। मैंने यही बताने के लिए तुझे फोन किया है कि तूने भतीजे जी से मुझे मिलवाया नहीं, तो मैंने उससे मिलने का बंदोबस्त खुद ही कर लिया। मतलब? कजन जी, मेरे आदमी उसे मेहमान बनाकर ले आए। क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुन कजन जी, ध्यान से। तेरा लड़का मेरे कब्जे में, और अब तूने दो काम करने, एक जमीनों का मुकदमा वापस लेना है, दो मासूमों को मेरे हवाले करना है। कजिन जी, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तेरी वो हालत करूंगा कि दुनिया वाले तुझे देखेंगे और तुझे तंग आएंगे। वैसे भी तेरे बेटे के मरने के बाद तेरी हालत इसी तरह की हो जानी है कजन जी। सिकंदर अली, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तबाही मचा दूंगा चारों तरफ। हाँ मैं जानता हूं, और एक बात कान खोल के सुन ले, इस बार मैं भी खामोश नहीं रहूंगा। अंसार गुल, अगर तूने मेरे इलाके में आने की कोशिश की तो तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अरे कजन जी, तेरा बेटा तो यकीनन मारा जाएगा। मेरी बात सुनो सिकंदर अली। हाँ सुना, बोल तू। मेरी बात कराओ अफसार से। हाँ तेरी बात कहाँ से करवा दूँ, मुझे तो अभी खुद पता नहीं है कि तेरे बेटे को मेरे आदमी उठा के कहाँ ले गए, कहाँ उन्होंने शिफ्ट किया है। अभी तो सिर्फ इतनी ही इतला है कजन जी कि उसे उठा के ले आए। कजन जी, बहुत तंग किया है तूने, अब बच्चे आया ना तू मेरे पाँव के नीचे। कजन, अफसार, अफसार, अफसार कहाँ है? क्या हुआ, खैरियत तो है? मैं पूछ रहा हूँ अफसार कहाँ है? अफसार अभी बाहर निकला था, बताइए तो सही क्या हुआ? सिकंदर ने अगवा कर लिया उसे। क्या?
हाथ खोलने की जरूरत नहीं है, मुंह खोल दो इसका और खाना खुद खिलाओ। कौन है तुम लोग? सवालों के जवाब हमारी सरकार ही देंगे। खाना खा। मारे जाओगे सबके सब, तुम में से एक भी नहीं बचेगा। चुप है, खाना खा, खाना खिला इसे, एक नहीं बचेगा। सलाम अर्ज करता हूँ भाभी जी। सिकंदर अली, ये क्या कर रहे हो तुम? अफसार कहाँ पर है? परेशान होने की जरूरत नहीं है भाभी जी, मैंने उसको अपने पास रखा हुआ है हिफाजत से। सिकंदर अली वो मेरा बेटा है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है भाभी जी, दिमाग में गोली मार के आर पार कर दूंगा, समझी? मेरे सारे जुल्म सारी बातें इकट्ठी करके रखी हुई है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन मेरी जमीनें और मेरी मासूमा मेरे हवाले कर दो। सिकंदर अली तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने मासूमा को पहले भी तुम्हारे हवाले किया था, मैंने पहले भी तुम्हारा साथ दिया था और अभी तुम्हारा ही साथ दूंगी। आपको करना पड़ेगा भाभी जी, अगर ये बात मैं अंसार गुल को बता दूं तो आप जानती हैं क्या होगा? मैंने बिल्कुल नहीं बताया क्योंकि वो बात पुरानी थी, पुरानी हो चुकी। इसे आप अंदाजा लगा लें कि मैं आपके साथ कितना सिंसियर हूँ। अगर अंसार गुल को ये पता चल जाए तो वो हाथों से आपको गोली मार दे। बड़ी सिंपल सी बात है, मेरी दुनिया आपके पास है, आपकी दुनिया मेरे पास, एक हाथ लो, एक हाथ दो, और ज्यादा इंतजार नहीं करना, बस आप मेरा काम कर दें, समझिए आप। जो सब आप खैरियत तो है? हाँ इंस्पेक्टर, तुम अभी सिकंदर अली के पास जाओ और उसे कहो कि मेरे बेटे को छोड़ दे, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले सिकंदर अली और उसके तमाम चाहने वालों का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। Now move. Just go right now. ठीक है। फारूक, फारूक, चाचा साहब आपके ख्याल में अब क्या होना चाहिए? मतलब? मेरा मतलब है अंसार गोल आपकी डिमांड के मुताबिक मासूमा को भी छोड़ देता है और आपकी जमीनों पे से कब्जा भी छोड़ देता है, तब आप क्या करेंगे? तू बता क्या करना चाहिए। जैसा आपने कभी किसी परिंदे को देखा है जिसका बच्चा कैद में हो किसी की, क्या करता है? पागलों की तरह इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, उस वक्त तक मंडलाता रहता है जब तक उसका बच्चा कैद से छूट ना जाए या फिर कैद में पड़ा पड़ा मर ना जाए। यही हाल जानवरों का होता है, लेकिन बात यह है कि अंसार गुल ना जानवर है ना परिंदा, वो तो है इंसान। वो जितना बौखलाया हुआ होगा उतना कोई जानवर नहीं बौखला सकता, गलती करेगा, अपना ख्याल नहीं रख रहा होगा उस वक्त, इसलिए जिधर मिले उधर ही मार दो, क्योंकि अगर वो हमारी सारी बातें मान भी लेता है तो जब हम उसके लड़के को छोड़ेंगे वो पहले से भी बड़ा खतरा बन जाएगा हमारे लिए। बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। सरकार, वो इंस्पेक्टर मिलने आया। अकेला आया या उसके साथ कोई और भी है? पूरी मोबाइल के साथ आया है, अंदर अकेला है। बुला उसको। Thank you.
चलो तू जा। बाय इंस्पेक्टर। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? मामला बहुत संगीन है जो साहब। और तू क्या समझता है अपने मामले की जांच पड़ताल किए बगैर ही कर उठा है? मुझे आपका तो नहीं पता कि आपने क्या सोच रखा है, लेकिन अंसार गुल एक खतरनाक आदमी है और वो आपके लिए खतरा बनता जा रहा है। उसका जो पैगाम है वो दे और निकल यहां से। उसने कहा है कि उसके बेटे को बगैर किसी डिमांड के छोड़ दिया जाए, वरना बस अभी वापस जाओ और उसको जाकर कहो कि हमारी दोनों डिमांडें फौरी तौर पर मान ले, वरना हम समझेंगे कि वो हमारे खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। अगर ऐसा ना भी हुआ तो इस खदशे के पेश नजर हम अपना काम कर देंगे। क्या कर दोगे? रात गहरी होने का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी तरफ ही आने वाला हूँ। नहीं नहीं, तुम मत यहाँ आना, मैं खुद निकलूंगी यहाँ से। मगर मैं आलिया, मैंने कहा ना तुम मत आना, मैं खुद निकलूंगी यहाँ से। और मेरा पतीजा, मेरा खून। और पुत्री, तुझे आपको तकलीफ तो नहीं है? आप अच्छी तरह जानते हैं बाबा जान आपको छोड़ेंगे नहीं। तेरे बाबा ने उस वक्त भी मुझे नहीं छोड़ा था जब मैंने उसे खुला छोड़ रखा था। तेरे बाप ने मुझे मरवाने की कोशिश की है मुझे। ATV, सारे रंग हमारे।